सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज भी का हमारे जीपीएस में वापस स्वागत है। तो दोस्तों एक्चुअली कल गाइज एचआरडी मिनिस्टर लाइव आए थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसको लेकर एचआरडी मिनिस्टर लाइव आए थे। इसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट ने नीचे कमेंट सेक्शन में जो मतलब जहाँ लाइव सेशन आए थे उस पे उन्होंने कई स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल करो, हैशटैग स्टार्ट किए थे, ट्रेंड भी कर रहा था तो एक दो घंटे तक। तो मतलब काफ़ी स्टूडेंट ने डिमांड करी कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल को लेकर। वैसे कल एचआरडी मिनिस्टर ने कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल पर कोई बात तो नहीं करी, बेसिकली वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन बीच में उन्होंने नीट के ऊपर, जो नीट और जी मेंस होने वाले उसके ऊपर एक बात बोली थी। उनसे पूछा गया था कि नीट और जी मेंस की क्या पोजीशन है, उसको एनटीए और आप कैंसिल करने के बारे में सोच रहे हो, नहीं सोच रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर केस फाइल हो चुका है। तो इसके ऊपर जो एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने ये बात बोली कि हम बच्चों की हेल्थ को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना ही हम उनकी स्टडी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना ही हम बच्चों की हेल्थ को लेकर ना ही समझौता करने वाले, ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। उन्होंने उधर एक बात क्लियर कर दी कि अगर बच्चों की रिस्क होगा तो हम एक दिन पहले एग्जाम कैंसिल कर देंगे, हम बच्चों के लिए पूरा ऐसा माहौल बनाएंगे कि बच्चों को कोई रिस्क ना हो। तो गाइस उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि अगर वो नीट एग्जाम को पोस्टपोन करते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल हो जाए। वैसे गाइस रोजाना जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह लग तो अब यही रहा है कि मैक्सिमम चांस ये लग रहा है कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल हो गए। क्योंकि गाइस आपको पता है कि 809 स्टूडेंट ने कंपार्टमेंट एग्जाम के ऊपर वैसे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर ही रखा है, मतलब PIL फाइल हो रखी है, उसके ऊपर भी अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, मतलब कोई ना कोई इस पे देगा क्या एक्शन लेना है उसको। मतलब काफ़ी बच्चे फोर्स बना रहे हैं, बच्चे बना रहे, पेरेंट्स बना रहे, टीचर्स भी कह रहे हैं। तो जो ये माहौल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि अब कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल होने का मतलब चांसेस बन रहे हैं। जैसे पहले से स्टार्टिंग में लग रहा था कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल नहीं होगे, उसका CBSE ने सर्कुलर जारी करके कह दिया कि नहीं होगे, लेकिन अब माहौल बन रहा है प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए अब माहौल ज़्यादा लग रहा है कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल होगे। वैसे कल HRD मिनिस्टर ने जब लाइव आए थे उस टाइम बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा करी थी हैशटैग स्टार्ट किया कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल पे, उसके लिए गाइस आप सभी ने मेहनत करी, अगर एग्जाम कैंसिल होते तो आपकी मेहनत के कारण ही कैंसिल होगी। और कई सारे अच्छे से यूट्यूबर है जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, मैं उनको भी अपने चैनल के थ्रू थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि वो आप सभी के साथ में हैं, मैं भी गाइस आप सभी के साथ में हूँ। मैं गाइस इधर बता दूँ कंपार्टमेंट एग्जाम बच्चे कोई पढ़ाई के डर से नहीं दे रहे, क्योंकि उनको इस बात का डर है क्योंकि हेल्थ को कोई रिस्क ना हो जाए, इसलिए मैं सभी की प्रॉब्लम अभी प्रेजेंट हालात को देखते हुए मैं आप सभी के साथ में हूँ। और गाइस HRD मिनिस्टर ने, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, कल कोई भी कंपार्टमेंट एग्जाम के ऊपर कोई बात डिस्कस नहीं करी, सिर्फ उन्होंने इशारा दिया था कि नीट और जो जी में से अगर उनके हालात बिगड़े तो वो एग्जाम को रद्द कर सकते हैं। वैसे अभी पोस्टपोन रद्द करने का कोई प्लान उन्होंने बताया नहीं, उसी तरीके कंपार्टमेंट एग्जाम का सेम चीज़ अप्लाई होगी। बाकी गाइस कोई कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर कोई भी अपडेट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं वीडियो बना के बता दूंगा। गाइस इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें जिससे उनको भी ये अपडेट मिल सके। तो दोस्तों वीडियो में इतने, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुनिए, घर पर रहो, सेफ रहो।